दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना इस वेबसाइट पे जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो आपने देखा था हाउ टू कैलकुलेट योर फ्यूचर, तो ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपने कैलकुलेशन या होमवर्क जरूर किया होगा कि वाकई में आपका अब तक जो टारगेट था उससे आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं या आपके लाइफस्टाइल क्या होने वाली है। यदि आपने होमवर्क किया है और सेटिस्फाइड हैं तो वेरी गुड, और नहीं है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लानिंग करें कि हम उसको बदलें, हम उसको चेंज करें, यानी कि अपने भविष्य को हम चेंज करने का प्रयास करें आज से, अभी से, इसी वक्त से। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ये हैं कि यदि सब कुछ सही है तो आज तक हम पैसा कमा क्यों नहीं पाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे होंगे, और जॉब करने के बाद में बहुत बड़ी समस्या क्या शुरू होती है कि आज तक हम पैसे अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक क्यों नहीं बना पाए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, दैट इज माइंड सेट। पहले मैं कुछ बात करूं, उससे पहले मैं आपको चाहूंगा आप एक वीडियो देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे अपने फ्यूचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक बार कुछ साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल किया, कुछ मक्खियों को पकड़ के शीशे के जार में बंद कर दिया, और जार में बंद करने के बाद लगातार 3 दिन तक उनको उसी कंडीशन में छोड़ दिया गया, और मक्खियां ऑब्वियसली बहुत उड़ रही थी कि निकल के बाहर चले जाएं, बट बाहर गई नहीं। 3 दिन बाद अगेन उस ढक्कन को खोला गया और खोलने के बाद उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही थी। कुछ दिन बाद उस ब्रेक को तोड़ दिया गया उस जार को, फिर भी देखा यह गया कि मक्खियां जितने ही उतने ही दायरे में उछल कूद रही थी लेकिन बाहर नहीं जा रही हैं। क्यों? क्योंकि 3 दिन के अंदर उनके हिसाब से उनका दायरा सेट हो चुका था वो जार, अतः वो जार के बाहर जाने का प्रयास ही नहीं कर रही थी। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ में है। तो दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा कि 3 दिन के अंदर उसी जार के अंदर उछलने कूदने के बावजूद उनका एक दायरा सेट हो गया, उन्होंने हजारों बार लाखों बार प्रयास किया बट वो बाहर नहीं निकल पाए जार से 3 दिन के भीतर। 3 दिन के अंदर उन्होंने सेट कर लिया कि हमारा दुनिया यही या इसी में रहेंगे, और फाइनली जार को ब्रेक करके वो दायरा हटा दिया गया। उसके बावजूद मक्खियों ने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं उससे बाहर निकल पाऊँ। क्यों? क्योंकि एक तरह से उनका एक दायरा बन गया और माइंड सेट हो गया। और लगभग ऐसा ही कुछ हमारे साथ में है। मुझे याद आता है कबीरदास जी का वो दोहा जिसमें उन्होंने बोला था, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। मतलब ये कि हमने जो खोजा हमें वैसा ही लाइफ में मिला, तो हमें किस बात की तकलीफ, किस बात की चिंता। एक उदाहरण देता हूं, बचपन से हमें क्या सिखाया गया, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो नहीं फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी बीवी नहीं मिलेगी। हमने क्या किया, पेरेंट्स को फॉलो किया और हमने स्टार्ट कर दी पढ़ना, स्टार्ट कर दी कॉपीकैटिंग, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। क्यों? अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। और हम पढ़ते गए। क्यों पढ़ते गए? क्योंकि जितना अच्छा हम पढ़ाई लिखाई करेंगे उतनी अच्छी मुझे नौकरी मिलेगी। और आज क्या हुआ, आज हम करते पढ़ते फाइनली नौकरी मिल गई, राइट? सो हमने जो खोजा वही तो हमें मिला, किस बात की तकलीफ है। जिन खोजा तिन पाइया, हमने जो खोजा वही हमें मिला। हमने कभी सोचा ही नहीं कि 50 लाख महीने कमाऊं। कभी आपके पेरेंट्स ने ये बोला आपको, या किसी गार्जियन ने आपको ये बोला कि बेटा 50 लाख महीने कमाओ? अब जब 50 लाख का कोई बात जब आपके सामने बोलता होगा तो आई एम श्योर कि आपके दिमाग में हंसी आती होगी कि पक्का सामने वाला बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों सोचो एक बार, हमारा माइंड ऐसा प्रोग्राम किया गया बचपन से कि अच्छा पढ़ो लिखो क्योंकि अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके हम अच्छी जॉब कर रहे हैं या खोज रहे हैं। कभी हमारे माइंड को ये नहीं बताया गया, हमारे माइंड को ये नहीं बोला गया कि बेटा जाओ 50 लाख महीने कमाना, 1 करोड़ महीने कमाना, और फाइनली आज हम वो सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों एक जीवंत एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल आपने देखा एक छोटी सी मक्खी का, एक जीवंत एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक दिन क्या हो रहा है कि मैं रास्ते से ऐसे जा रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक हाथी को लेके जा रहा है, और एकाएक उसने क्या किया, वो रुका और एक छोटी सी ऐसी लकड़ी की खूंटी टाइप कुछ निकाला उसने, लकड़ी में से लोहे का था, यस लोहे की खूंटी निकाली उसने, जमीन पे ऐसे गाड़ी, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि मुझे लगता है शायद कुछ खेल दिखाने वाला है। उसने उस जमीन में छोटी सी इतनी लोहे की एक खूंटी गाड़ी, और गाड़ने के बाद में एक रस्सी निकाली पतली सी और रस्सी से हाथी को बांध दिया, और बांधना वहां तक तो ठीक था, लेकिन मजा कब आया कि वो हाथी एकाएक घूमने लगा, मतलब उस खूंटे के चारों तरफ ऐसे हल्के 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 घूमना स्टार्ट कर दिया।
आई एम शॉक्ड, 5 मिनट 10 मिनट में देखा, लेकिन सेम एक्टिविटी, उसके बाद खुद हाथी में ही बैठ गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा उस महावत से कि भाई एक भाव बताओ, इतना विशाल का हाथी है, पतली सी रस्सी, और रस्सी छोड़ो छोटी सी खूंटी में गाड़ दिया जो एक झटके में शायद मैं उखाड़ दूं प्रयास करूं, तो ये हाथी कैसे इसमें टिका हुआ है। वो हंसने लगा, बोला बाबूजी ये तो बस उसके सोच का कमाल है। हम क्या मतलब, बोलता है जब ये बच्चा था जंगल में घूम रहा था तो मैं उसको पकड़ के लाया, और जैसे ही मैं ला के अपने घर में बांधा इसको खूंटी से, तो लगा ये उत्पात मचाने और अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। बहुत ट्राई किया लेकिन बच्चा था, और मजे की बात ये कि ऐसे ही खूंटी थी और ऐसे ही रस्सी थी, लेकिन बच्चा होने की वजह से इसने प्रयास बहुत किया लेकिन उस खूंटे से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। और एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, एक महीना, एक साल, दो साल, चार साल प्रयास करते करते थक चुका, आज ये इतना बड़ा हाथी हो चुका है, लेकिन इसको याद है कि मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया था और टूटा नहीं, तो अब क्या टूटेगा, तो अभी असल में प्रयास ही नहीं करता। बाबूजी जैसे ही मैंने खूंटी गाड़ा, इसको पता चल गया कि मेरा दायरा ये रस्सी ही है और वहीं घूम घूम के यहीं बैठे है, कहीं जाता नहीं है। तो ठीक ऐसे ही हमारे और आपके लाइफ में हो रहा है, हमारा माइंड सेट कर दिया गया पढ़ो लिखो जॉब करो, और पढ़ लिख के जॉब कर रहे हैं। कभी माइंड को ये आदेश नहीं मिला, कभी माइंड को ये नहीं सिखाया गया कि बेटा जाओ और एक बहुत बड़ी नौकरी करो। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी काम लाइफ में कम से कम 2 बार जरूर होता है, कम से कम 2 बार जरूर होता है। मेरा बोलने का मकसद क्या है, बोलने का मकसद ये है कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो सबसे पहले वो काम होता है हमारे दिमाग, हमारे माइंड के अंदर, और दोबारा दूसरी बार होता है फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि आपको जाना हो इंडिया से यूएस, आपको फ्लाई करना है, जैसे ही आपके दिमाग में प्लान आएगा तो नेक्स्ट आपका दिमाग आगे का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने सोचा कि मुझे यूएस शिफ्ट करना है या यूएस जाना है, फ्लाई करना है, आपका माइंड सेट कर बोलता है ठीक है बेटा डेट डिसाइड करो, डेट डिसाइड होती है, फिर बोलता है भाई ऑनलाइन जाओ, ट्रेवल एजेंट से कॉन्टेक्ट करो और टिकट बुक करो। हम टिकट बुक करते हैं, फाइनली सेम जिस दिन हमें जाना होता है फ्लाइट जाते हैं, वो अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं फ्लाइट लेने के बाद। कभी मेरे भाई ऐसा हुआ कि आप सीधे पहुंच गए एयरपोर्ट और पूछे भाई साहब मुझे जाना है, बोलता है कहाँ, बोलते बस सर को सोच के बताता हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं। पहले अपने माइंड में सोचा तो माइंड आपको रास्ता दिखाया और आपने उसके हिसाब से एक्शन लिया, राइट। सेम ऐसे ही हमारे लाइफ में होता है। इसको टेस्ट करने के लिए, सेम इसी को टेस्ट करने के लिए एक बार क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी ने अखबार में एक विज्ञापन निकाला असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, और मजे की बात यह है कि एक ही कंपनी ने एक ही पोस्ट के लिए 2 अलग अलग अखबारों में 2 विज्ञापन निकाले। पहले में ही लिखा गया कि हमें असिस्टेंट मैनेजर की आवश्यकता है जिसकी सैलरी होगी 50,000 पर मंथ, और दूसरे अखबार में सेम कंपनी सेम पोस्ट के लिए निकलता क्या है एड, मुझे असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और सैलरी होगी 5,00,000 पर मंथ। रिजल्ट एकदम शॉकिंग था फ्रेंड्स, रिजल्ट ये रहा कि 90% प्लस लोगों ने अप्लाई किया 50,000 पर मंथ के जॉब के लिए, मात्र 10% लोग का एप्लीकेशन आया 5,00,000 पर मंथ के जॉब के लिए, जबकि सेम कंपनी सेम प्रोफाइल। माइंडसेट क्यों, क्योंकि जब 5,00,000 पर मंथ की बात आती है तो 90% लोग का दिमाग तो वैसे ही खत्म कि नहीं नहीं मेरे लिए तो जॉब है ही नहीं, मैं जाऊंगा पता नहीं क्या इंटरव्यू में पूछेगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, 50 में ट्राई कर लेते हैं, कम है इसमें तो हो ही जाएगा। एक्चुअली हमारी सोच ही डेवलप की गई है कि 50 या 1,00,000 मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। 5,00,000 50,00,000 माइंड में ही नहीं गया। अब मेरे भाई जैसा कि आपको पता है कि हर काम लाइफ में 2 बार होता है, पहले यहाँ देन फिजिकल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ब्रिज बन के तैयार हो गई और इंजीनियर फिर घूमते हुए आया तो अरे यार ब्रिज तो बन गई चलो इसको ड्राइंग बना लेते हैं, ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले ड्राइंग बना, ड्राइंग बनने के बाद इंजीनियर्स के थ्रू लेबर्स के थ्रू वो ब्रिज बन के तैयार हुआ। मतलब ये लाइफ में हर काम जो 2 बार होता है सबसे पहले ब्रेन आपके दिमाग में होता है। जरा सोचिए आपके दिमाग में कब हुआ था मैं 50,00,000 महीने कमाऊंगा, हुआ था नो, और हुआ नहीं तो आएगा कैसे। सो व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल शब्दों में सबसे पहले अपने ब्रेन को मैसेज तो दो, आप सोचो तो सही, अपने माइंड सेट को जो सेट किया गया 50,000 महीने के लिए उसको ब्रेक तो करो कि मुझे बड़ा पैसा, बड़ा आगे जाना है, सफल होना है, तब तो होगा, क्योंकि सारा गेम यहाँ पे है। 3 प्रयोग दिखाया मैंने, 3 प्रयोग बताया मैंने, छोटे से जीव मक्खी के ऊपर माइंड सेट 3 दिन में आपने देखा, एक बड़ा सा एग्जाम्पल
हाथी अब जिंदगी भर बचपन से हम देखते आ रहे हैं, और तीसरा अखबार का वो एड, और इवन आपका वो विचार कि जब आपको 10 लाख महीने या 20 लाख महीने कोई बात भी करता है कि चलो यार एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, 20 लाख महीने तो आ ही जाएंगे, तो आपको हंसी आ जाती है सामने वाले की बात पे कि यार क्या मजाक कर रहा है। दोस्तों जाते जाते एक टिप्स देके जाना चाहूँगा कि यदि कोई भी आपसे किसी व्यवसाय किसी बिजनेस के बारे में बात करे तो एक बार सुनिए जरूर, सोचिए जरूर। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी IAS PCS निकलते हैं, मैं एजुकेशन की बातें कर रहा हूँ, जितने भी IAS PCS या अधिकारी रैंक निकलते हैं वो जिनसे पढ़ते हैं वो IAS PCS नहीं होते। वो अध्यापक जो खुद IAS PCS नहीं है वो IAS PCS निकाल देते हैं। इसीलिए जब भी आपके सामने कोई विचार कोई व्यवसाय कोई बिजनेस कोई तकनीक किसी आइडिया के बारे में बात किया जाए तो कभी आप ये मत देखो कि सामने बोलने वाला कौन है, आप ये सोचो उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, क्या वाकई बन सकता है। कैलकुलेशन जरूर करिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फेसबुक पे इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करने के लिए और हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।